वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम जो है लेजर लाइट की हेल्प से क्या चेक करेंगे कि कौन केव लेंस और कॉनवेक्स लेंस को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन लेजर लाइट्स हैं जो हाँ आपस में पैरेलल है। जो बीच की लाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे लेंस रखते हैं। पहले हमें करेगा यहाँ पे कॉनवेक्स लेंस। तो जब इसको रे के बीच में रखेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो रे है वो एक पॉइंट पे क्या हो रही है, क्लियरली मीट हो रही है। तो जो इसका मीटिंग पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा इसका कि दिस पैरेलल रे आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स लाइट। और ये कहाँ पर मीट करेंगी, एक पॉइंट पर मीट करती है जो क्या रिप्रेजेंट करेगा इसके फोकस को। ठीक है, तो फोकस पॉइंट क्या है इसका, जहाँ पर जो रे है पैरेलल जो रे है वो एक क्लियरली कन्वर्जिंग पॉइंट देती है। अगर हम एक लाइट को रोकते हैं तो दोनों लाइट आपको साफ साफ दिखती है। तो ये क्या है इसका, क्लियर फोकस पॉइंट है। ठीक है ना, अब ये आपस में कैसे जा रही हैं, इसके बाद फिर से बिखर जाती हैं। तो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर हमने डाइवर्जिंग रखते हैं। तो डाइवर्जिंग रखने के बाद हमने क्या देखा, जो रे है वो उसी पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। और जो बीच का पॉइंट है दैट्स स्ट्रेट। तो जो लाइट 90 पर जाती है वो बिना रिफ्लेक्शन के और रिफ्लेक्शन के पार निकल जाती है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस। और ये जो पॉइंट जहाँ पर मेरी उंगली है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा इसकी फोकस पॉइंट को। तो दिस विल बी द फोकस पॉइंट। तो इस तरह आप क्लियरली समझ पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स।